सो हेलो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, तो कैसे हो आप सब? आई होप आलो अच्छे हो गए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्रो एप्लीकेशन में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 100 से 200 रुपए लेके 100 to 200 तक रुपए लेके कैसे आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आप एक बिगनर्स हो या अगर आप लोग कुछ जानते भी हो, अगर फिर भी आप कन्फ्यूजन हो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है ग्रो एप्लीकेशन में, तो दोस्तों मैं आप लोग को सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एकदम से हाथ रख करके बताऊँगा कि कैसे कहाँ पे क्लिक करना है, कैसे क्या करते हैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सॉरी गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं बताऊँगा, कैसे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, एकदम ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या है, सब कुछ मैं यहाँ से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होगा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि ट्रेडिंग होता है क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, 100-200 से लेके प्रॉफिट कितना कर सकते हैं, कितना का प्रॉफिट हो सकता है, कितना का लॉस हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हम लोग 100 से 200 से के बीच करते हैं तो। सो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे करेंगे। सो दोस्तों ये रहा मेरा ग्रो एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, और उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होता है, ये वाला ऑप्शन पे ग्रो ऐप अपना स्टेटस लगाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना टाइम स्पेंड किया है, और यहाँ से हम लोग कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। सो यहाँ पे देख सकते हो मैं नज़दीक ला दिया, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक को कोई भी स्टॉक जैसे मुझे चाहिए PNB पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ तब थोड़ा अच्छा से दिखाई दे। पंजाब नेशनल बैंक पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे सपोज डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक, अभी जो ये साइडवेज मार्केट चल रहा है। अब साइडवेज मार्केट होता क्या है अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। सो यहाँ पे साइडवेज मार्केट क्या होता है, थोड़ा मैं इसका ये कम कर देता हूँ। हाँ सो मैंने कम कर दिया। अब देखो साइडवेज मार्केट और यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है। जैसे देखो कोई भी स्टॉक का प्राइस ऐसे करके कैंडल बनाते जा रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, और कोई ऐसे ही चल रहा है उसे कहते हैं साइडवेज, यानी कि ना प्राइस ऊपर जाता है ना नीचे, सिर्फ बीच में ही रहता है। अगर यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे नीचे जाता है तो इसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं, इसे कहते हैं कुछ इस तरह से। अब हम लोग सीखेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है क्या। देखो निफ्टी 50 जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है, इसमें देश के 50 कंपनी लिस्टेड है। सो यहाँ पे ये 50 कंपनी अगर ग्रो में ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है ये निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इस सब का 50 कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो इस कंपनी का भी प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सो ये जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बनता है, इसमें पैसा बहुत जल्दी जीरो बनेगा और बहुत जल्दी 1,000, 2,000, 5,000, 5 लाख, 10 लाख भी बनेगा, लेकिन जिसको जिस तरह से इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको ऐसे ही बनेगा ना, तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया ना। अगर 100 रुपये से करते हो तो आप लोग कितना कमा सकते हो, हाइस्ट 1,000 कमा सकते हो, 500 कमा सकते हो, 200, 300, 400, हाइस्ट 1,000 से ऊपर अगर जीरो जीरो करते हो। सो आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, बाद में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई परेशानी होता है तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। हमेशा सपोर्ट के लिए आपका भाई खड़ा है, सब कुछ मैं करूंगा आप लोग के लिए, बस आप लोग सीखो। जैसे मैं धक्का खाकर सिखाऊं वैसे मैं नहीं चाहता किसी और को सर्च करके यूट्यूब पे बार बार यहाँ पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे निफ्टी 50 को हम लोग क्लिक करते हैं। सो अगर बिगनर्स हो ना आप लोग तो पहले आप लोग निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करो, सॉरी गाइज ऑप्शन ट्रेडिंग करो। सो यहाँ पे जो है हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे ये क्या ऊपर नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये साइडवेज है, यहाँ से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन आज का परसेंट कितना है, यहाँ पे 0.44% का रिटर्न दिया है, 95 पॉइंट ये प्लस में, और यहाँ से देख सकते हो पिछले एक महीने में 3% का करीब यहाँ पे रिटर्न दिया है, और एक महीने में बात करें तो 9.5% की, एक साल में बात करें तो यहाँ पे 17% की, अगर हम लोग 5 साल और ऑल में देखें तो 5 साल में 98% की रिटर्न, और ऑल में देखें तो 171% का रिटर्न दिया है यहाँ पे निफ्टी 50। सो अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे नीचे जाओगे तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड है। सो यहाँ पे देख सकते हो टॉप 50 कंपनियाँ, नीचे जाकर पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे देख सकते हो आज ये ना टुडे लो, ये टुडे लो है, आज ये सबसे नीचे गया था, और टुडे हाई देख सकते हो इसका 52वीं हाई देख सकते हो 21,593, यहाँ पे देख सकते हो 21,593 कुछ इस तरह से। अब देखो हम लोग, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि ऑप्शन चेन में क्लिक करके क्या होता है सब कुछ। यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया, अभी तक आप लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया तो एक्टिवेट कर लो दोस्तों, सबसे पहले एक्टिवेट कर लो। सो मैं चाहता हूँ कि कैमरा को थोड़ा और नीचे कर दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए दोस्तों। सो मैंने कैमरा को नीचे कर दिया थोड़ा सा। अब जो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा कुछ इस तरह से, ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोग को निफ्टी 50 में। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी 50 ये मेरा नाम है, यहाँ पे ये कंपनी जो है निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे कॉल प्राइस और पुट प्राइस, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये क्या है भाई, 21 दिसंबर, 8 दिसंबर, 28 दिसंबर, जनवरी 4, और अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो 7 दिन का अंतराल मिलेगा, यानी कि 7 दिन का गैप अप। अब ये होता है एक्सपायरी का दिन, यहाँ पे एक्सपायरी का दिन होता है ये 7 दिन, 21 दिसंबर 21 को एक्सपायरी है, उस दिन पैसा बहुत बनेगा, 21 तारीख को पैसा बहुत बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे दिसंबर 28 को पैसा बनेगा, जनवरी को एक्सपायरी के दिन बहुत पैसा बनता है, ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ से कॉल प्राइस क्या होता है और पुट प्राइस, देखो कॉल प्राइस जब लेते हैं ना हम लोग, तो कॉल प्राइस लेने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, यानी कि ये जो है स्ट्राइक प्राइस, एक स्ट्राइक प्राइस अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर क्या होता है पता आप लोग, हंसी लगेगी लेकिन कन्फ्यूजन दूर करो, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो हम लोग ऊपर समझेंगे। अगर कॉल प्राइस लिया ना, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये ब्लैक वाले पट्टी को, काला वाले पट्टी को स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। देख सकते हो अभी 21,555 का स्ट्राइक प्राइस से ये चल रहा है अभी, यानी कि अगर मुझे लेने के बाद ये कॉल प्राइस अगर मैं लेता हूँ 100 रुपये का, यहाँ पे कोई भी लेता हूँ यहाँ पे, इसको लेने के बाद अगर ये नीचे आता है तब जाके इतना पैसा बनेगा ना, अगर लेते ही अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लेते ही अगर ये नीचे जाएगा ना तो हम लोगों को पता है बहुत लॉस होगा, बहुत। यहाँ पे नीचे कैसे, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे हम लोग नीचे कहेंगे, और लेने के बाद ये नीचे की तरफ कॉल प्राइस लेंगे तो मुझे जो है प्रॉफिट होगा। उसी तरह पुट प्राइस, अब देखो पुट प्राइस क्या होता है, पुट प्राइस में अगर कोई शेयर लिए और शेयर लेने के बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब देखो इसे हम लोग कहते हैं एट द मार्केट, इसे कहते हैं एट द मार्केट, ये इसे कहते हैं एट द मार्केट। सो गाइज एक मिनट, सो गाइज माफी चाहता हूँ, मैं पानी पीने लगा था, थोड़ा सा गला में दर्द है। सो यहाँ पे अब जो है हम लोग इसे कहते हैं ऊपर वाले को, हम लोग कहते हैं इन द मनी, और इसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे एट द मनी, और इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी, इसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी। और उसी तरह से ऊपर वाले प्राइस को, यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर वाले प्राइस को ठीक अपोजिट हम लोग इसे कहते हैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, इसे हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ द मनी, इसे कहते हैं एट द मनी, सिर्फ यहाँ पे सेम ही रहेगा, और इसे कहेंगे हम लोग इन द मनी यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम लोग पुट प्राइस के लिए लेंगे तो। सो दोस्तों अब देखो यहाँ पे कॉल प्राइस लेने के बाद यहाँ से अगर मार्केट, एक मिनट गाइस थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेता हूँ, ओके गाइस मैंने कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। सो मैंने कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, अब मैं आप लोग को डिटेल में समझाता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसे, अगर ये अचानक से ऊपर जाने लगेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऑप्शन चेन में क्लिक कर दिया, मैंने बताया था ना 100 रुपये से 200 रुपये से करके दिखाऊंगा, लेकिन हाँ मैं करके दिखाऊंगा, जैसे ये 2 रुपये का है ठीक है, बाइक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, देखो आप लोग 190 का ये है, लेकिन 50 है इसमें, 50 स्टॉक यहाँ पे, 50 यहाँ पे एक लोट में 50 स्टॉक है यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे मुझे तो 100 बोला था तो 100 में ही करके दिखाऊंगा, जैसे ये है यहाँ पे 1.65 रुपये का, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा, अब देखो 127 का है, मतलब 100 रुपये का करीब हो ही गया,
अब देखो एक बार लेने पे पता है आप लोग को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। अब देखो लेने के बाद यहाँ पे देखो ब्रोकरेज चार्ज कितना लगेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज चार्ज वन ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हो ₹20, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह मिलेगा। यहाँ पे चार्जेस वगैरह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में। सो पता है इतना छोटा यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेड लोगे ना तो बहुत यहाँ पे टाइम लगेगा पैसा बनने में, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि भाई ये देखो बहुत ही कम का यहाँ पे जो है एक लोट में ₹124 लगाओगे। ओके अब देखो 50 यहाँ पे एक लोट में, अब देखो ये बहुत अगर 1% भागेगा तब जाके पैसा बनेगा। सॉरी गाइस। सो अब जो ये ऊपर जाएगा यहाँ से तब जाके पैसा बनेगा। सो एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। अब यहाँ पे प्राइस मार्केट क्या होता है, अब यहाँ पे सो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिलेगा इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन। ओके गाइज यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इंट्राडे में करना है तो इंट्राडे में भी ले सकते हो, बाद बाकी यहाँ पे 21 तारीख तक इसे रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 21 दिसंबर 22,000 यहाँ पे 50 का कॉल है ये। सो यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ। सो यहाँ पे 130 का 127 का है। सो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो मैं चाहता हूँ अगर मुझे प्रॉफिट हो तो अच्छा से हो और लॉस हो तो अच्छा से हो सर। बस आप लोग सीखो सीखो यही मैं चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे ₹2.75 का है। सो यहाँ पे मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। ओके गाइस 193 का है ये, 196 का। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज वगैरह देख सकते हो। अब देखो प्राइस मार्केट यहाँ पे सेट कर सकते हो और यहाँ पे प्राइस लिमिट। सो उससे पहले मैं इंट्राडे कर देता हूँ। इंट्राडे कर दिया, यहाँ पे मैं प्राइस लिमिट सेट करना चाहता हूँ तो वो भी सेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ कितना पे, 180 पे सेट कर देता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे 2.80 पैसे पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से जो है ये बाय हो जाएगा। सो यहाँ पे 80 पे नहीं, यहाँ पे 75 पे कर देता हूँ। ओके अब देखो ये बाय हो जाएगा, यहाँ से बाय ऑर्डर प्लेस्ड। यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे इस पर क्लिक करके। अभी ये बाय नहीं हुआ है क्योंकि अभी जो है उससे पहले मुझे डन करना पड़ेगा। अभी देखो 275 यहाँ पे 2.75 पे जाएगा तब जाके, ₹2.75 पे जाएगा तब जाके बाय होगा। सो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये नहीं हुआ है। सो मैं इसे महंगा ही लूँगा। सो कोई बात नहीं, 85 पे लेते हैं। मॉडिफाई बाय कर दिया। सो यहाँ पे मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अब यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। किस तरह से, अब देखो कैसे प्रॉफिट या कैसे लॉस होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा मतलब करीब 1% के ऊपर तब जाके कुछ प्रॉफिट होगा। सो अगर यहाँ से ये अचानक गिर भी सकता है, मैंने एनालाइज नहीं किया। सो एनालाइज अभी मैं क्या करूँ, सिर्फ आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे 100 से 200 के बीच आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे कैंडल वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैंडल वगैरह इसका है, ये इसका कैंडल वगैरह है। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, ये मेरा RSI है। सो यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है शूटिंग स्टार कैंडल बना है नीचे में। सो मुझे लगता है यहाँ पे अब यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो आप लोग को ये सब नहीं पता ना कैंडल वगैरह क्या होता है। सो यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछले वीडियो में जाके देख लेना। सो कैंडल वगैरह क्या होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ से मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ से देख सकते हो न ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है न ज़्यादा लॉस, यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो इसी को हम अगर लेते हैं यहाँ पे, अगर इसी को हम लोग देख सकते हो, अगर यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ये ₹14 का लेता, ₹14.30 का, तो यहाँ बहुत जल्दी ₹14.40 ₹14.45 कुछ इस तरह से इसे देखने को मिलेगा। अगर इसे हम लोग बाय करेंगे तो देख सकते हो 785 का यहाँ पे जो है कॉल है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी। सो यहाँ पे देख सकते हो मुझे लगता है कि भाई अचानक से अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मेरा नुकसान भी हो सकता है। सो उससे पहले आप लोग को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है, उसके बाद एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे SL ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे देख सकते हो SL ट्रिगर प्राइस
सो यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हो। स्टॉप लॉस में कितना पे लगा दो दोस्तों, यहाँ पे 2.50 पैसे पे लगा देता हूँ, यानी कि 2.50 पैसे के यहाँ पे नीचे जाने लगेगा तो मुझे लॉस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया, सो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। ओके, सो अगर मुझे टारगेट लगाना है तो टारगेट कैसे लगाएंगे, सो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एड स्टॉप लॉस का ऑप्शन, यहाँ पे इससे पहले आप लोग को यहाँ पे एक मिनट गाय, इससे पहले आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ। सो अगर आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, अगर आप लोग को लगता है पॉजिटिव में है मार्केट, सो आप लोग को क्या करना है टारगेट सेट करने के लिए, पहले तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल ऑल कर दिया स्टॉप लॉस को यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मिनट और गाइज, ये वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देख सकते हो। और आप लोग के फ़ोन में पता है एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन दोनों मिलेगा, एड स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे टारगेट कैसे यहाँ पे लगाना है, एग्जिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब टारगेट में लगा देता हूँ कितने पे, जैसे टारगेट आप लोग को लगाना है 5 रुपये पे, तो 5 रुपये पे सेल कर दिया। ओके, 5 रुपये पे जाएगा तो मुझे 250 से 300 रुपये का प्रॉफिट होगा और मैं एग्जिट कर जाऊँगा। सो ऐसा नहीं होने वाला है, अभी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे, यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे कैंडल को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कैंडल को। सो एक मिनट गाइज, सो यहाँ पे आप लोग को कैंडल वगैरह कैसे एनालाइज करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो, ये इसका हो गया सपोर्ट लेवल, ये इसका जो है, एक मिनट गाइज, यहाँ पे ये जो है इसका सपोर्ट लेवल हो गया ये, और ये इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल हुआ। अगर ये ब्रेक आउट किया ना तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, कसम से गाइज ये ऊपर ही जाएगा, और यहाँ से पैसा बनना जो स्टार्ट होगा ना वो इजिली पैसा बनेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर आप लोग वेट करोगे तो पैसा बनेगा। सो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोग को डिटेल में और समझा देता हूँ कि उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे करना चाहते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो 7 रुपये 5 रुपये का लॉस चल रहा है अभी, अगर आप लोग उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी आप लोग कर सकते हो उसी तरह से। आज एक्सपायरी है, आज इसमें पैसा बहुत बनेगा, यहाँ पर देख सकते हो एक्सपायरी का यहाँ पर देखने में मिलेगा। सो एक्सपायरी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन चेन मिलेगा, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। ओके, सो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन कॉल पुट कुछ नहीं करना है, पहले तो आप लोग सीखो क्या होता है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ गैप अप गैप डाउन क्या होता है, सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसके बाद आना मार्केट में। सो गाइज मैं अभी मार्केट को एनालाइज नहीं किया हूँ, क्योंकि सिर्फ आप लोग को बताना चाहता हूँ कैसे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करके कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट करवा सकते हो, कितना लॉस। सो मैं इसे जो है बाद में यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई करके इसमें मैं निकल भी सकता हूँ दोस्तों। सो दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं होल्ड करके रख भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 में जो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो यहाँ पर देख सकते हो रेड कैंडल बना है, लेकिन ये जो है हम लोग को चकमा दे रहा है मार्केट, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टर, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है नीचे में, यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अब देख सकते हो सपोज डेट में मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे जो है मुझे इसे सेल करना है। ओके गाइज, सो मुझे नुकसान हुआ कोई बात नहीं, सो आप लोग सीखो। तो यहाँ पर 2 रुपये 70 रुपये पे मैं 2 रुपये 70 पैसे पे मैं सेल कर देता हूँ। ओके, 2 रुपये 70 पैसे पे जाएगा ये सेल हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 2 रुपये 75 पैसा को टच करेगा तब जाके ये सेल होगा, 5 रुपये ऊपर नीचे होगा तब जाके बाय या सेल होता है। ये आप लोग सीख लो ऑप्शन ट्रेडिंग में, या कोई भी इक्विटी ट्रेडिंग ही क्यों ना हो दोस्तों। अगर आप लोग को यहाँ पे जो देखो ये हिट नहीं कर रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसे भी मॉडिफाई कर देना है। अब देखो 65 पे लगाता हूँ तो देखो कितना जल्दी यहाँ पे, सॉरी गाइस ये सेल हो चुका है यहाँ पे, अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे 5 रुपये के लॉस में मेरा जो है यहाँ पे सेल हो चुका है ये। अब देखो कितना चार्जेस वगैरह कटा, मैं सब कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोग को। सो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके गाइज, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, अब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चार्जेस वगैरह आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से थोड़ा बैक आ जाता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, अब दिखाता हूँ चार्जेस थोड़ा सा रिफ्रेश करके कितना कटा है। सो मेरे अकाउंट में यहाँ पर देख सकते हो 45 रुपये का चार्जेस वगैरह कटा है टोटल यहाँ पे लगाकर।
यहाँ पे टोटल 5 रुपये लॉस लगाकर। सो कुछ इस तरह से देख सकते हो एक बार में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो सेल करके या बाय, अगर मार्केट गिर रहा है तो आप लोग यहाँ पे जो है पुट प्राइस लो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल प्राइस लो, लेकिन मार्केट को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करके तब जाके ट्रेडिंग करो। सो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया है कि 100 रुपये के से 200 रुपये के बीच कितना का लॉस कितना का प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। सो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग को ये सब नहीं पता था तो आप लोग को यहाँ पे अगर उसी तरह से आप लोग यहाँ पे मिलेगा FNO इंट्राडे IPO ऑल स्टॉक करके, अगर आप लोग इस सारे चीज़ पे वीडियो बना यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मैं सारे कुछ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो आप लोग कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, अगर जो कुछ भी पूछना है सब कुछ पूछ सकते हो। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत